जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश के साथ साथ महानगर मुरादाबाद में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्थानों पर देखा जा रहा है कि यहाँ के निवासी हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी सख्ती की जा रही है, उसके बावजूद भी लोग घरों से बिना मास्क लगाए निकल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं। अभी आपने जैसा कि देखा कि यहाँ पर CEO कड़घर और SO साहब ने खुल के यहाँ पर जो भी दुकानें खुल रही थी उनको बंद कराया और उनको सख्ती से पालन करने के लिए भी कहा, लेकिन उसके बावजूद लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं रखा है। आगे आगे जैसे पुलिस बढ़ती गई, पीछे पीछे लोग हैं कि फिर निकलते चले आए। ऐसे के कोरोना की चैन को महानगर से रोका जा सकेगा? थाना कटघर अंतर्गत गुलाबबाड़ी क्षेत्र के साथ साथ मकबरा चौकी क्षेत्र में क्षेत्र पुलिस द्वारा SPCT अमित आनंद एवं CO कटघर के साथ साथ SHO कटघर कोतवाली के साथ कटघर गुलाबबाड़ी एवं मकबरा चौकी इंचार्ज द्वारा क्षेत्र में सड़कों पर बेवजह घूम रहे नागरिकों एवं दुकान खोले बैठे दुकानदारों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा गया कि धीरे धीरे अब कोरोना वायरस को काबू में किया जा रहा है, ऐसे में आप सभी COVID-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए शासन और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी जल्द से जल्द महानगर के साथ साथ पूरे भारत देश में खत्म होने में सफलता दिलाएगी। अगर हमें अपने भारत देश के हर जिले को एक बार फिर से पूर्व की भांति खुला रखना है और जीवन को आनंद पूर्वक बताना है, तो उसके लिए हमें COVID-19 गाइडलाइन का पालन करना होगा, वैक्सीन के टीकों को लगवाना होगा। हमारे इस कदम से जहां एक और हम स्वयं सुरक्षित रहेंगे, वहीं दूसरों को भी सुरक्षित रखने में कामयाब होंगे। इसलिए आप सभी बेवजह सड़कों पर ना निकले, जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है और नई गाइडलाइन नहीं आती तब तक आप अपने बाजारों को बंद रखें, चेहरे पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, समय समय पर सैनिटाइजर का प्रयोग करें। लेकिन देखने वाली बात यह रही कि जैसे जैसे पुलिस टीम आगे बढ़ती हुई नजर आई, तो वहीं पीछे लोग अपने घरों से एक बार फिर सड़कों पर दिखाई देने लगे। ऐसे लोग शासन और प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी के लिए लड़ी जा रही लड़ाई में बाधा डालते साफ नजर आ रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो आपको लंबे समय तक अपने घरों में बंद रहना पड़ेगा और सभी की आर्थिक स्थिति अगर खराब हो गई तो फिर शायद संभलने में बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए सभी महानगरवासी शासन और प्रशासन का सहयोग करें ताकि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी का खात्मा किया जा सके। के लिए हम लोग सड़कों पे गश्त कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लाउड हेलर से उनको समझाया भी जा रहा है और जो बेवजह घूम रहे हैं उनके खिलाफ चालान भी किया जा रहा है और सख्ती से पालन कराया जा रहा है लॉकडाउन। आज सर किस क्षेत्र में आपने ये हमने गल शहीद में भी और अभी गुलाबबाड़ी क्षेत्र में पैदल गश्त करा रहे हैं, लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं।